नमस्कार, मैं विमल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। यूपी के हाथरस जिले में त्रिशिरा भाई बना भाई की जान का हत्यारा, शराब के नशे में धुत बेटे के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीट पीट कर की भाई की हत्या। रात को सोते समय बेटे के साथ मिलकर बोला हमला, पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि शराब के नशे में धुत चचेरे भाई द्वारा अपने बेटे के साथ मिलकर भाई की पीट पीट कर हत्या की जाने का मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली सहपो क्षेत्र के गांव महरारा का है। गांव महरारे में 45 वर्षीय घनश्याम की घर में सोते समय उसके चचेरे भाई किताब सिंह ने अपने बेटे राम हरि के साथ मिलकर शराब के नशे में धुत होकर डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक घनश्याम और उसके चचेरे भाई में शराब के नशे में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद घनश्याम के चचेरे भाई किताब सिंह ने अपने बेटे राम हरि के साथ मिलकर मारपीट की, जिसके बाद घनश्याम के उपचार के दौरान मौत हो गई। शराब तो इनने पिए किताब सिंह ने, और आए तो जिन्हें इनने शराब पिए इसने नहीं पिए, और बाद में इसे सोते पे फिर 10 बजे के 9-10 बजे करीब ये मारो। सैको में एक महरारा ग्राम पड़ता है, यहाँ पर एक घनश्याम नाम के व्यक्ति और उसके साथ उसी के सहेरा गजेरा भाई है किताब सिंह, उनके बीच किसी बात को लेकर के शराब के नशे में झगड़ा हुआ, जिसमें कि किताब सिंह द्वारा और उसके पुत्र राम हरि द्वारा घनश्याम के साथ मारपीट की गई और उसकी तहरी थाने लेके आए तो इसमें एनसीआर पंजीकृत हुई। उसके बाद उसको वहां से ले जाया गया और इलाज के दौरान फिर उसकी बाद में मृत्यु हो गई। उसी के अनुसार फिर उसमें 304 IPC के तहत अभियोग तर्मीन कर दिया गया है और अभी दोनों ही वांछितों के लिए पुलिस दबिश दे रही है, बहुत शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।